निगरा हुकूमत के आते ही पंजाब में तरक्याती मंसूबे मौसिन स्पीड से होने लगे। वज़ीर-आला पंजाब ने एक साल में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। हल्फ उठाते ही रुके हुए मंसूबों को चौथा गियर लगाया, मईशत का पहिया चलाया, बरसों के मंसूबे महीनों में मुकम्मल किए, हफ्तों का काम दिनों में कर दिखाया, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए। निगरान वज़ीर-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तरक्याती कामों में शहबाज शरीफ को भी पीछे छोड़ दिया। साबिक वज़ीर-आज़म शहबाज शरीफ भी मोहसिन नकवी के फैन निकले, बड़े बड़े मंसूबे जल्द मुकम्मल करने पर मोहसिन स्पीड का नाम ले लिया। सेहत सहूलियात में बेहतरी का मिशन, तरक्याती कामों के बाद सेहत के मंसूबे भी मोहसिन स्पीड से होने लगे। गुज़श्ता साल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मंसूबा तकमील को पहुंचा। निश्तर 2 फेज 1 चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में 10 साल बाद भी नया इमरजेंसी ब्लॉक का आगाज हो गया। मुल्तान के 15 हेल्थ सेंटर्स को मॉडल हेल्थ सेंटर का दर्जा दे दिया। सरगोधा के तमाम देहातों में अब मोबाइल अस्पताल मौजूद होंगे, अल्ट्रासाउंड और टेस्ट भी मुहैया किए जाएंगे। बहावल विक्टोरिया अस्पताल में स्ट्रोक सेंटर कायम किया जाएगा। फॉलिज के शिकार मरीजों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, वज़ीर-आला पंजाब का आवाम को नए साल का बड़ा तोहफा। ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीसों के मुताबिक बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक तौसी कर दी। लर्नर परमिट लाइसेंस फीसों में इजाफे का नया शेड्यूल 10 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। गुज़श्ता साल रहीमिया खान के स्कूलों में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। जिले के 2776 स्कूल्स के लिए सबसे ज्यादा फंड जारी हुए। क्लासरूम्स, बैतुल खला और फिल्ट्रेशन प्लांट जैसे मंसूबे मुकम्मल हुए। एतराजात दूर होंगे तो कागजात मंजूर होंगे। उम्मीदवार अपने ऊपर लगने वाले एतराजात का जवाब देंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 4 से 10 जनवरी तक फैसले करेंगे। फहरिस्त 11 जनवरी को आवेदा की जाएगी। जनूबी पंजाब के लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में 13 अपीलें दायर कर दी गयी। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अली जिया बाजवा कल अपीलों पर समाप्त करेंगे। रिलीफ कम तकलीफ ज्यादा, निगरान हुकूमत ने आवाम को नए साल में महंगाई तोहफे में दे दी। एलपीजी की कीमत में 2 रुपए का इजाफा, नई कीमत 256 रुपए फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 19 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 71 रुपए इजाफा। घरेलू सिलेंडर 3026 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर 11642 रुपए में दस्तयाब होगा। ۔۔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 ۔
मोहम्मद वाला रोड की खस्ता हाली को डेढ़ साल गुजर गया। नादराबाद फ्लाईओवर दो साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। सीवरेज लाइन डालने के लिए तीन साल कबल तोड़ा जाने वाला नवाब रोड छू का। चाइल्ड प्रोटेक्शन मुल्तान की इमारत का मामला लटक गया। तीसरे मरहले में फंड जारी ना होने की वजह से तामीर ताहाल नामुकम्मल। बचे किराए की इमारत में रिहाइश पजीर। दूसरे मरहले में 4 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। जनूबी पंजाब में खाद बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डेरा गाजी खान के किसान खाद के हुसूल के लिए परेशान। मार्केट में धक्के खाने पर मजबूर। ब्लैक में महंगे दामों फरोख जारी। काश्तकारों का कहना है खाद ना मिली तो गंदम की पैदावार शदीद मुतासर होगी। शहर औलिया के ट्रैफिक सिग्नल्स खस्ता हाली का शिकार। लाखों रुपए की लागत से लगे गए ट्रैफिक सिग्नल्स पालना किए जा सके। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ फूड अथॉरिटी इन एक्शन। बहावलपुर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी। मिलावट साबित होने पर 1000 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्ख। खानगढ़ में 650 लीटर दूध जाया कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के सालाना इंतखाबात 13 जनवरी को मैदान सजेगा। इलेक्शन मुहिम में तेजी। सदारत की नशस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल।
महबूब संधेला, इमरान खाकवानी और मुमताज नूर नागरा भी चोट पड़ेगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की जेर सदारत इजलास साकिब जफर का कहना था, चिल्ड्रन अस्पताल मुल्तान की ओपीडी और इमरजेंसी का काम मुकम्मल है, नेशनल अस्पताल वन की अपग्रेडेशन 31 जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान की जेर सदारत इजलास, यूनिवर्सल हेल्थ इंडिकेटर्स बारे तबादला ख्याल, हुकूमत पंजाब के हेल्थ इंडिकेटर्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला, सर्विसेज डिलीवरी में बेहतरी के लिए काविशें जारी रखने पर इत्तफाक। पंजाब पुलिस के मुलाजमीन की वेलफेयर का सिलसिला जारी, डीजी खान में कुव्वत समाज से महरूम मुलाजमीन के बच्चों का लाहौर के जदीद अस्पताल से इलाज, स्पेशल बच्चों को कलर इम्प्लांट और जदीद तरीन आलात समात लगा दिए गए, आरपीओ सजाद हसन खान की बच्चों से मुलाकात, तसली बख्श इलाज व मुआवजे पर इत्मीनान का इजहार। सीपीओ मुल्तान सादिक अली का पुलिस खिदमत मरकज का दौरा, आवाम को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया, सायरीन से मुलाकात, मसाइल हल करने के अहकाम जारी। अब चमकेंगे गांव मुहिम पर तेजी से अमल दरामद, छपकाला के देहात को साफ करने का काम जारी, अहले इलाका ने निगरान वजीर आला के इकदाम को खूब सराहा, कहा दही इलाकों की हालत में बेहतरी नजर आ रही है। ट्योटा मुल्तान के जरह तमाम स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोर्स की तकमील पर सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब, नौजवानों को मोटरसाइकिल मैकेनिक मोबाइल रिपेयरिंग और डोमेस्टिक टेलरिंग का कोर्स करवाया गया। और गुलदाउदी मौसम सरमा का मशहूर फूल, पीएचए मुल्तान के जेर एहतमाम नुमाइश का इफ्तिताह, कमिश्नर आमिर खटक, डिप्टी कमिश्नर रिजवान कदीर ने इफ्तिताह किया, 20 रंगों और 5 इकसाम के 20,000 गमले नुमाइश की जीनत हैं।